हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं GCETTB के बारे में, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बरमपुर के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इनमें एडमिशन कैसे लेनी है, इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसी है, कट ऑफ कितनी जाती है और भी ढेर सारी चीज़ें बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में इसी वीडियो में। सो वीडियो पर बने रहिए और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। तो चलिए लेट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसी तरह की कॉलेज की रिव्यू अभी रेगुलर आएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, सारी कॉलेज को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो जैसे कि आपको कुछ पिक्चर दिख रही होंगी स्क्रीन पे, ये है आपकी GCETTB की कॉलेज, जो आपकी पिक्चर दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी सी नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये आपकी जिम और ये आपकी लैब और ये आपको मिल जाती है आपकी हॉस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ आपकी दो कोर्सेज कराई जाती है, पहली है आपकी बीटेक और दूसरी आपकी एमटेक, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ बीटेक के बारे में ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चार ब्रांचेज मिल जाती हैं, ठीक है। पहला है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, दूसरी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीसरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और चौथी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपकी 60 सीट आपको प्रोवाइड की जा रही है, फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 44 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 30 प्रोवाइड की जा रही है सीट, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं थोड़ी सी और इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ नंबर ऑफ क्लासरूम 32 प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ ई क्लासरूम बताया जा रहे हैं 20, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी 14,400, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ टाइटल इन लाइब्रेरी 6,648 बताया जा रहा है, नंबर ऑफ लैब्स आपके 35 बताए गए हैं, ठीक है। इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर बॉयज़ कॉमन रूम एक मिलता है और एक गर्ल्स कॉमन रूम भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो तो आपको बॉयज़ हॉस्टल मिलती है और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही ख़राब बात है। तो यहाँ पे बॉयज़ में 100 सीट आपको मिल जाती है हॉस्टल में। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी फी स्ट्रक्चर की और जान लेते हैं इनकी फ़ी कितनी है। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जो लोग भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लिए हैं, ठीक है, जो लोग भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ब्रांच लिए हैं, उन्हें 500 रुपीज़ पे करनी है पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, ये याद रखें, पर मंथ आपको 500 रुपीज़ पे करनी है। फिर अगर नीचे आते हैं हम लोग तो यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को 1,000 रुपीज़ पर मंथ पे करनी है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को 1,000 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के देख लें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट 500 रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे, और उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी 500 रुपीज़ पर मंथ पे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फीस स्ट्रक्चर, जो हमें पर मंथ 500 रुपीज़ पे करनी है और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को सिर्फ उन्हें पे करनी है 1,000 रुपीज़। अब हम लोग नीचे आते हैं इनकी कट ऑफ में, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइस, तो अभी हम लोग बात करेंगे राउंड 3 के कट ऑफ की, ठीक है, 2019 की राउंड 3 के कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जनरल कैटेगरी की 15,759 इनकी कट ऑफ गई थी, और ओबीसी ए की अगर बात की जाए तो 17,652 इनकी ओबीसी ए में था, और ओबीसी बी की अगर बात की जाए तो 18,300 था, ठीक है। एससी की अगर बात की जाए तो 29,000 इनकी कट ऑफ गई थी, और यहाँ पे फिर नीचे हम लोग आते हैं सीएससी के ब्रांच में, तो यहाँ पे सीएससी के ब्रांच में अगर देखी जाए तो 8,800 इनकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और जिन्हें भी अगर टीएफडब्ल्यू की कट ऑफ चाहिए, जिन्हें भी अगर टीएफडब्ल्यू की कट ऑफ देखनी है तो इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो एससी की अगर बात की जाए तो 19,000 इनकी कट ऑफ गई थी सीएससी ब्रांच में, फिर एसटी की अगर बात की जाए 45,000 इनकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 12,200 गया था कट ऑफ, और यहाँ पे आपका ओबीसी एससी में गया था 24,000 और एसटी में गया था 39,200, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9,500 गया था जनरल कैटेगरी में, और अगर एससी की बात की जाए तो 17,700 गया था, और एसटी की बात की जाए तो 70,000 गया था। तो मतलब कि लगभग आपको इसी टाइप की कट ऑफ रैंक लानी पड़ेंगी, ठीक है, इसी टाइप की रैंक लानी पड़ेंगी। अगर आपकी 5,000-10,000 ऊपर नीचे भी हो जाती हैं तो इस कॉलेज में आपकी एडमिशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जिस तो अब हम लोग बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट की, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर्स की आपको दिख रही होंगी प्लेसमेंट, 2019, 18 और 17 की। तो 2019 की अगर देखी जाए तो 37% प्लेसमेंट हुई थी, 2018 में 37.5%, 2017 में 40% प्लेसमेंट हुई थी, जिसमें अगर मैक्सिमम सिटीसी की बात की जाए तो 2019 में 6
मैक्सिमम सिटी से गया था, 2018 में भी 6 गया था और 2017 में यहाँ बताया जा रहा है 15 गया था, ठीक है। तो ये जो 15 बताया जा रहा है ये अगर गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। और क्योंकि ये जो भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना ये इन्हीं की वेबसाइट से मुझे मिली है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी एवरेज सिटी सी की बात की जाए तो यहाँ एवरेज सिटी सी इनकी 2 गई थी 2019 में, 2 LP गया था, मीन्स कि बहुत ही ख़राब कंडीशन है, देख सकते हो आप। और 2018 में भी सेम, और यहाँ पर देख सकते हो 2017 में 1.5 गया था, ठीक है। तो कट ऑफ कुछ इस तरह की थी इस कॉलेज की। तो और मैं बता दूँ आपको इस कॉलेज के बारे में थोड़ी सी और, कि जैसे कि इस कॉलेज को एफिलिएटेड किया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और ये AICTE से अप्रूव्ड है, ये कॉलेज आपकी AICTE से अप्रूव्ड है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में। सो ओवरऑल ये था हमारा GCET TTB के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। जहाँ तक बात है इनकी एड्रेस, इनकी कॉन्टैक्ट नंबर की, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली और बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर आपके लिए आते रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए।